नोटा दिया है मध्य प्रदेश में लोगों ने 6 लाख, तो 6 लाख लोग अगर राहुल जी के समर्थक होते तो बूथ में नोटा देने नहीं जाते, वो हाथ पर निशान लगाते, जीत हुई कहीं 50 वोट, 60 वोट, 200 वोट। ये नोटा क्यों हुआ? नोटा इसलिए हुआ कि संवाधीनता कहीं ना कहीं हुई। SC ST एक्ट में न्यायालय के आदेश के बावजूद संशोधन सदन में लाया गया, गलती हुई, इस गलती को मानकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य था कि वो बताते गलती हो गई, क्षमा करो, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर तुम नाराज हो सकते हो, पलायन करने का अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर कमल नहीं खिला, बबुआ और बुआ के राज में ये जो संशोधित कानून है लाठी बन के हाथ में आएगा, कोटा का सोटा चलते हुए लोगों ने देखा है, और लाठी बन करके तड़ तड़ ये सवर्णों के मस्तक पर चलेगा। इस बात को बताने की जरूरत है, अपनी गलती मान ली, लेकिन किसने बताया? तो ये जो संवादहीनता हुई, सामूहिक नेतृत्व की कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं, तो अकेले मोदी जी क्या क्या करेंगे? कई मोदी की जरूरत है, और ये आपको जानकर ताज्जुब होगा, ना भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक सदस्य भी नहीं, और 4.5 साल से मेरी मोदी जी से एक मुलाकात नहीं, न तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी अधिकारी ने कहा। लेकिन राजस्थान में आनंद पाल का फर्जी इनकाउंटर होगा, राजपूत सभा के ऊपर आयकर के छापे चुनाव के दौरान पड़ेंगे, और जोधपुर के गांव में दलितों का हमला, आपने तो सुना होगा क्षत्रियों का हमला दलित, लेकिन दलितों का हमला क्षत्रिय पर होगा। वह राजपूत समाज जिसका राज, पाट, जमींदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन के बावजूद छीन लिया गया, और जिसको रोजी रोटी से भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में उनके महलों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जोड़ा, जीवन में जिसने भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दल का मुंह नहीं देखा, उसने कांग्रेस को मत दिया। तो ये हम लोगों का दायित्व है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की मर्यादा को उच्च शिखर पर पहुंचाया, वैश्विक स्तर पर भारत के भाल पर सम्मान नाम के शब्द को लिखा है, जो डोकलाम की धमकी देने वाले चीज हमारे भारतीय सैनिकों के साथ दृत करवा देता है, जो चीन की व्यावसायिक दादागिरी का संतुलन करने के लिए कभी जापान जाता है और निर्भरता से सिर्फ जापान पर नहीं रहे इसलिए दक्षिण कोरिया पहुंचता है, ऐसा एक वैश्विक नेतृत्व देने वाला पाक साख व्यक्ति, उसके ये हर भारतीय का दायित्व है कि नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाए और उनको कम से कम एक बार और प्रधानमंत्री बनने का मौका दे, ताकि विकास के जो बीज उन्होंने लगाए हैं वो जब पुष्पित पल्लवित हों तो उसका सिरे कोई और न ले।